नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। एक पुराना प्रसंग है, एक सत्संग में सुना हुआ प्रसंग है, कहीं देखा सुना हुआ, आप लोग भी सुनिए और आगे बढ़ाइए। कुबेर जी के पूर्व जन्म की कथा है। कथा ऐसी है कि बड़े गरीब घर में एक बालक पैदा हुआ। खाने पीने को कुछ नहीं था तो उसने कहा कि चलो शिवालय चलते हैं, वहाँ कुछ न कुछ मिल जाएगा जिसे बेचकर घर परिवार के खाने का व्यवस्था हो जाए, इंतजाम हो जाएगा। बालक गया शिवालय में, देखा वहाँ बहुत अंधेरा था तो उसने अपना ऊपरी वस्त्र उतारा और उसे जला दिया और प्रकाशमान कर दिया पूरे शिवालय को। हालांकि उसका शरीर पूरा हुआ, उसका जन्म का समय जो है पूरा हो गया। अंत समय में ऊपर जो है बात हुई कि अब इसका परिणाम शिव जी से पूछा गया कि क्या होगा। शिव जी ने कहा कि इसको चक्रवर्ती सम्राट की पदवी मिलेगी अगले जन्म में। अच्छा, शिव की महिमा ऐसी थी कि उसको ये मर्म ज्ञात था, उसको याद था कि हमें ये चक्रवर्ती सम्राट की पदवी क्यों मिली है। उसने पूरे देश में, पूरे राज्य में अपने ये घोषणा करवा दी, ये सब जगह कहलवा दिया कि जहाँ जहाँ शिवालय है वहाँ वहाँ अखंड घी का दीपक जलना चाहिए और जहाँ नहीं शिवालय है वहाँ वहाँ शिवालय की रचना की जाए। हर जगह शिवालय बन गए, अखंड दीप जलने लगे। वो जन्म भी समाप्त हुआ और शरीर का समय पूरा हुआ। उसके बाद उसे कुबेर की पदवी दी गई, कुबेर का स्थान दिया गया। शिव पुराण में है, आप सभी लोग सुने, अच्छा लगा। आप सभी लोग सफल रहे, इसे साझा करें, आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। जय श्री राम।